नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक जारी है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी शामिल हुए हैं। 12 राज्यों के करीब 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि इनमें मध्य प्रदेश की 18 सीटें भी शामिल हैं जिन पर नामों की घोषणा हो सकती है, और छत्तीसगढ़ की भी 5 सीटें जिन पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। सीईसी की बैठक जारी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी शामिल हुए हैं। 12 राज्यों की करीब 90 सीटें बताई जा रही हैं। 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। इस बैठक में मध्य प्रदेश की 18 सीट्स जिन पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है कांग्रेस की ओर से, उन सीटों पर भी मंथन चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की 5 सीटें जिन पर आज उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद वो नाम सामने आएंगे। फिलहाल 12 ऐसे राज्य जिनकी करीब 90 सीट्स, उन पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 18 सीट्स जिन पर उम्मीदवारों के ऐलान नहीं हुए थे कांग्रेस की ओर से, और वहीं छत्तीसगढ़ की 5 सीट्स ऐसी बची जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। दिल्ली से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह लाइव जुड़ गई है। अंजलि, सीईसी की बैठक जारी है, पहले तो अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल, सीईसी की बैठक तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। यहीं अंदर जो कांग्रेस हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तमाम नेताओं का जमघट जो है आपको दिख जाएगा। कई सारे नेता, उनके सपोर्ट स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं, और अंदर सीईसी की बैठक जारी है। सोनिया गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, और आज की बैठक काफ़ी अहम भी मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव की डेट्स जो हैं अनाउंस कर दी गई हैं, और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं उनके उम्मीदवारों के नाम जो है तकरीबन तय हो जाएंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश की भी 18 तकरीबन सीटें बताई जा रही हैं, जिनमें मुरैना, खंडवा, राजगढ़, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, नर्मदापुरम, बालाघाट, गुना, ये कई सारी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। और ये माना जा रहा है कि आज बैठक खत्म होने के बाद, जिसमें अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है, और इसके बाद कल तक हो सकता है कि सूची जो है वो जारी कर दी जाए इन तमाम राज्यों पर भी, जिनमें जो फोकस रखा गया है आज की बैठक में वो ये कि जहां पर फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में चुनाव होने हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम जो है वो चयनित कर लिए जाएं। जी निश्चित तौर पर अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से हमारे सहयोगी अजय दुबे भी लाइव जुड़ गए हैं। अजय, दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, अभी अंजलि अपडेट ही रही थी, करीब 1.5 घंटा हो चुका है कि यह बैठक जारी है। 18 सीट्स जिन पर उम्मीदवारों के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, सीईसी की बैठक चल रही है और बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल जो है उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट को लेकर सियासी पारा भी हाई है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, चाहे अन्य नेता हो, उन्होंने बार बार कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से सीट जो है डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब सीईसी की बैठक है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश की जो 18 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, क्योंकि 10 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने पहले ही कर दी थी। एक जो खजुराहो से सीट है वहां से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी गठबंधन के चलते, और तो 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, और ऐसे में 18 सीटों पर जो है कांग्रेस की लिस्ट अभी जारी होनी है, क्योंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सीईसी की जब बैठक खत्म होगी तो लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन सीटों पर कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ के तौर पर जब मध्य प्रदेश का कमान उन्होंने संभाला था तो उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले इस बार हम भारतीय जनता पार्टी से भी पहले हम जो है टिकट डिक्लेयर कर देंगे, ताकि प्रत्याशियों को जो है समय मिले पर्याप्त, ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन ऐसे में
जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट लगातार डिले हो रही है उसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी हाई है निश्चित तौर पर। और सियासी पारा न सिर्फ हाई है बल्कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। मैं लौटूंगी अंजलि आपके पास वापस आना चाहूंगी। बैठक आप बता रहे हैं करीब डेढ़ घंटे से चल रही है। सुबह से ये बताया जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि खड़गे और सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हुए हैं और गहन चर्चा 12 राज्यों की करीब 90 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर मंथन चल रहा है अंदर। जी देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के साथ साथ ही कर्नाटका, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार इन तमाम राज्यों के लिए भी चर्चा हो रही है और इसके साथ ही जो विधानसभा चुनाव होने हैं आंध्र और सिक्किम में उनके उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो काफी लंबा वक्त जो है बैठक में अभी और लग सकता है लेकिन लगातार जो कांग्रेस आला कमान है और चूंकि एक अहम बात यह भी है, देखिए राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले भी जो सीईसी की दो बैठकें हो चुकी हैं उसमें भी राहुल गांधी शामिल नहीं थे लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जो हैं वो ही तमाम इन बैठकों की आप कह सकते हैं कि उनके सर्वे सर्वा यही रहे हैं अब तक इन बैठकों में। इससे पहले जब पहली बैठक हुई थी तो 39 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी और उसके बाद दूसरी बैठक के बाद 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है कांग्रेस ने जारी कर दी थी। अब देखना होगा कि करीब जो 80 से 90 सीटों का मंथन आज चल रहा है इसके बाद कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा में बता चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस आला कमान चाहता था कि वहां के सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया। तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि किस तरह से उम्मीदवार जो हैं वो समीकरण फिट बिठाकर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो ज्यादा से ज्यादा वोट ला सके। जी निश्चित तौर पर, और ये जरूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्रत्याशियों को कंपेयर करें, चाहे हम 12 राज्यों की जो करीब 90 सीट्स बताई जा रही हैं, एमपी की 18 और छत्तीसगढ़ की 5 सीट्स की बात कर ले, तो कांग्रेस बड़ी असमंजस के स्थिति में नजर आ रही है कि कई ऐसे जो उम्मीदवार बनाने वाले थे उनकी तरफ से जब इलेक्शन ना लड़ने की बात कही गई तो कांग्रेस काफी असमंजस की स्थिति में नजर आई है। अंजलि आपसे हम ये भी जानेंगे कि ये बैठक और कब तक चलने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए कई राज्यों को लेकर चर्चा जो है वो हो चुकी है पूरी और लेकिन अभी भी कई सीटें जो हैं या कह लें कई राज्य अभी भी बाकी हैं और चूंकि जैसा मैंने बताया दो विधानसभा वाले राज्य भी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होनी है तो थोड़ा लंबा और वक्त लग सकता है। यानी आप मान सकते हैं कि अभी 6 बज रहे हैं तो शाम को 7-7:30 तक शायद बैठक और चले, अब से 1-1.5 घंटे बाद तक और ये बैठक जो है वो चल सकती है और फिर देखना होगा कि उसके बाद जो लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया है क्योंकि इस बार कांग्रेस ने दोनों ही लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की है तो हो सकता है कि तीसरी लिस्ट भी उसी प्रक्रिया के तहत ही जारी की जाए। तो इंतजार अब इसी बात का है कि जब यहां से ये मीटिंग खत्म होती है और लोग बाहर निकलते हैं तो शायद नेताओं से कुछ ज्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि किन किन सीटों पर तकरीबन बात फाइनल हो गई और कहां पर मंथन ज्यादा करना पड़ा। जी अंजलि आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपने ये जो जानकारी साझा की उससे बहुत शुक्रिया। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने